आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो पिछले महीने अगस्त 2023 सिलीगुड़ी में घटी है। ये केस या ये कहानी सुनकर आपको काफी सारे दूसरे केसेस की याद आ जाएगी, क्योंकि इस केस में भी एक लड़की के साथ गलत और घिनौना काम किया गया है। ये कहानी सुनकर आप सब सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भला हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, लोग दिन ब दिन हैवान क्यों बनते जा रहे हैं और लड़कियों के खिलाफ अत्याचार बंद क्यों नहीं हो रहा। आइए जानते हैं सिलीगुड़ी के स्कूल गर्ल मर्डर केस की कहानी मेरी जुबानी। मतिगारा, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग। ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक पीसफुल जगह है जो पहाड़ों के फुटहिल पर स्थित है और टी गार्डन से घिरा हुआ है। मगर पिछले कुछ सालों में यहाँ के क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इन क्राइम्स को मीडिया कवर नहीं करती। मगर थैंक्स टू द लोकल न्यूज़ एजेंसी, क्योंकि उन्हीं के कारण ये न्यूज़ कवर की जाती है और हम आम जनता तक पहुँचाई जाती है। 11 अगस्त 2023 सिलीगुड़ी में एक लड़की के साथ बहुत ही गलत और घिनौना काम किया गया। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एंड फॉर प्राइवेसी मैटर्स कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ने उसे अलग अलग नाम दिया है, पर हम जिस सोर्स को यूज़ कर रहे हैं उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम इसे प्रतिमा बुलाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन स्टोरी। प्रतिमा प्रधान ये एक 17 साल की लड़की थी जो सिलीगुड़ी में रहती थी। ये अपनी 11वीं की पढ़ाई नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से कर रही थी। हर रोज की तरह 11 अगस्त 2023 को प्रतिमा अपने दोस्तों के साथ स्कूल गई। स्कूल खत्म होने के बाद वो उन्हीं दोस्तों के साथ अपने घर वापस आ रही थी। तभी उसने नोटिस किया कि स्कूल के गेट से थोड़ी दूर पर एक आदमी अपनी साइकिल पर उसका इंतजार कर रहा है। इस आदमी का नाम है मोहम्मद अब्बास और इस आदमी की उम्र है 22 साल। मोहम्मद अब्बास के अकॉर्डिंग उसकी और प्रतिमा की दोस्ती कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी। ये दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई और बातें करते करते ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि मोहम्मद अब्बास प्रतिमा का उसके स्कूल के बाहर इंतज़ार किया करता था ताकि वो उससे मिल पाए और उससे बात कर पाए। एंड माइंड यू, अब्बास एक 22 साल का आदमी है, एक अडल्ट इंसान है, वेयर एज प्रतिमा एक 17 साल की माइनर लड़की है। एंड स्टिल ही वॉज अप्रोचिंग हर विद अ वेरी डिफरेंट इंटेंशन देन जस्ट बींग हर फ्रेंड। 11 अगस्त 2023 को अब्बास प्रतिमा के स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही प्रतिमा स्कूल से बाहर आई उसने प्रतिमा को अप्रोच किया और वो दोनों वहीं खड़े होकर बात करने लगे। मगर कुछ देर बाद अब्बास ने प्रतिमा को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहा और ये सारी चीज़ें होते हुए प्रतिमा के स्कूल फ्रेंड्स ने देख ली। प्रतिमा एक टिपिकल इंडियन स्कूल गर्ल थी जो घर से स्कूल और स्कूल से घर आया करती थी, मगर कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए बातें करते हुए घर आती थी, जिस कारण उसे कभी कभी लेट हो जाता था और ये सारी बातें उसके परिवार वालों को भी पता थी। इसीलिए जब अब्बास ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो प्रतिमा को लगा कि अगर घर पहुंचने में थोड़ी देर भी हो जाए तो उसके घर वाले उसे कुछ नहीं कहेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस दिन प्रतिमा अपने घर पहुंची ही नहीं। 11 अगस्त 2023 की दोपहर को प्रतिमा के स्कूल से बहुत दूर एक अबैंडन घर से कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई दी और ये आवाज़ें एक लड़की की चिल्लाने की थी। ये जो अबैंडन घर था वो मेन सिटी के पार्ट से थोड़ा बाहर था। यहाँ पर लोग रहते तो थे मगर काफ़ी दूर दूर, जिस कारण उन्हें ठीक से नेबर्स भी नहीं कहा जा सकता। प्लस ये जो घर था वो पूरी तरह झाड़ियों से घिरा हुआ था। जब पहली बार इस अबैंडन घर से आवाज़ें आई तो किसी ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। Everybody was busy doing their own work and minding their own business. लेकिन दोपहर के 3 बजे जब वापस उस अबैंडन घर से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई तो ऐसा लग रहा था मानो कोई लड़की दर्द से तड़प रही है और रहम की भीख मांग रही है। The cry was very painful. इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनकर उस कॉलोनी में रह रहे एक बुजुर्ग आदमी ने वहाँ जाने की कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली द मैन वॉज ओल्ड और वो वहाँ पर भागकर नहीं जा सकते थे क्योंकि घर के आगे काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी। इस घर का मेन गेट भी पूरा लोहे से बना हुआ था जिस पर जंग लगा हुआ था और अपने ओल्ड एज के कारण वो जंग भरा गेट वो खोल नहीं पा रहे थे। मगर कुछ देर कोशिश करने के बाद वो गेट खुल गया और उन्होंने दूर से देखा कि एक लड़का जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है वो साइकिल से भागने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी के हाथ में अपनी साइकिल थी और वो उस साइकिल को दीवार के पार फेंकने की कोशिश कर रहा था। उन बुजुर्ग आदमी ने उस लड़के को चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की मगर वो लड़का दीवार फांदकर वहाँ से भाग गया।
बुजुर्ग आदमी को ये शक हुआ कि इस अबैंडन घर में जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है, जिस कारण वो बुजुर्ग आदमी उस अबैंडन घर के अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर वो हक्के बक्के रह गए और उनके पैरों से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने देखा वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जो पूरी तरह खून से लथपथ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। उस लड़की ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसके सर पर पत्थर या ईंट से मारा गया था और उसके पैरों पर भी कुछ छोटे मोटे चोट के निशान थे। उस बुजुर्ग आदमी ने ये सब देखा और सीधा पुलिस को कॉन्टैक्ट किया। पुलिस वहां पहुंची और लाश को देखने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि ये प्रतिमा प्रधान की लाश है जो स्कूल छूटने के बाद से गायब थी। प्रतिमा के पेरेंट्स को भी कॉन्टैक्ट किया गया फॉर कन्फर्मेशन एंड उन्होंने भी कन्फर्म किया कि ये प्रतिमा की ही लाश है। पुलिस ने इस केस को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले बुजुर्ग आदमी से पूछा कि क्या वो उस लड़के को पहचान सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बुजुर्ग आदमी ने कहा कि वो लड़का काफी दूर खड़ा था जिस कारण वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए, मगर बुजुर्ग आदमी ने पुलिस को उस लड़के के ब्लैक कलर की टी शर्ट और उसके साइकिल का डिस्क्रिप्शन दिया और उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर पुलिस सीधा प्रतिमा के स्कूल की तरफ चली गई। जैसे ही पुलिस उस अबैंडन घर के गेट से बाहर निकली, उन्होंने नोटिस किया कि इस कॉलोनी के पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उन्होंने उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक किए और उन्हें अपना कातिल अब्बास मिल गया। अंडर 24 आवर्स पुलिस ने मोहम्मद को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के कुछ वक्त बाद ही अब्बास ने अपने क्राइम का कन्फेशन किया। उसने अपने क्राइम का हर एक डिटेल बताया जिसे सुनकर आपकी तक रूह कांप जाएगी। अब्बास ने कहा कि वो प्रतिमा को बहला फुसला कर उस अबैंडन घर के अंदर लेकर गया और जोर जबरदस्ती से उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, मगर जब प्रतिमा ने मना किया तब उसने अपना फिजिकल स्ट्रेंथ यूज किया और वो प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसने प्रतिमा को मारना शुरू कर दिया जिस कारण प्रतिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। प्रतिमा को चुप कराने के लिए उसने प्रतिमा के सर पर पत्थर से वार किया और वो वार करता रहा एंड विथ रेज एंड एंगर उसने इतनी बार प्रतिमा के सर पर वार किया कि वो मर ही गई। जब अब्बास को ये रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है तब उसने वहां से भागने की सोची, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम किसी ने उसे वहां से भागते हुए देख लिया एंड ऑफकोर्स सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर हुआ विच लेड हिम टू हिज अरेस्ट। एक 17 साल की मासूम लड़की का सिर्फ यही दोष था कि उसने एक नया दोस्त बनाया और उस पर विश्वास किया। एक 17 साल की लड़की ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि एक लड़का अपनी चीजें अपनी पैंट के अंदर नहीं रख पा रहा था। हवस के चलते एक 17 साल की लड़की ने अपने फ्यूचर को और अपने परिवार को अलविदा कह दिया। लड़कियों के खिलाफ इतने क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं कि लड़कियां अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी सेफ फील नहीं करती। लड़कियों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, पब्लिक के सामने मारा जा रहा है। ऐसे में लड़कियां करें तो क्या करें? इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वही इंडिपेंडेंस आज तक लड़कियों को नहीं मिल पाया। आई होप आप सब सुरक्षित रहे और सेफ रहे। महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र वुमन हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नंबर है 103। अगर आपको कभी भी लगे कि आपको एक पुलिस वाले की ज़रूरत है वो भी इमीडिएटली, देन मेक श्योर टू कॉल ऑन दिस नंबर। आज मैं आपको मेरी वीडियो को लाइक करने नहीं कहूँगी, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगी, बट मेक श्योर कि जिस भी लड़की से आप प्यार करते हो, जिन भी लड़कियों को आप जानते हो, आप ये वीडियो उनको शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि कभी भी किसी रैंडम इंसान को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, स्पेशली ऑन द इंटरनेट या फिर रियल लाइफ में भी। और चलो कभी दोस्त बन भी गए, मेक श्योर कि उनके साथ कभी भी अकेले कहीं ना जाओ, स्पेशली टू रैंडम प्लेसेस, अबैंडन प्लेसेस एंड देयर होम।